में बुरा ही बोलेगा। ये तो जिंदगी का मेन क्या होता है, रूल। तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले अपने से बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम, जय माता दी। करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर से गांव पारथा से। और आज का कोई ब्लॉग नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मतलब 1 महीने होने वाला है, मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। और ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं 1 महीने बाद ही करूँगी, मतलब 13 तारीख के बाद, 14 तारीख से मैं ब्लॉग को स्टार्ट करूँगी। बना आज रही हूँ, और क्योंकि मुझे बहुत टाइम से था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को बताऊँ कि हाँ, मेरी इतने दिनों से जो वीडियो थी वो क्यों नहीं आ रही थी। और क्योंकि मेरे पास आप लोगों का मैसेज आया कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, किसी ने कहा कि बस 2 दिन का था, मतलब 2 दिन, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि 2 दिन वीडियो बनाने का शौक था, उसके बाद ख़त्म हो गया। क्योंकि मतलब मैंने रेगुलर वीडियो डाले थे, मैं ऐसा नहीं कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, तो मैंने अपना चैनल पर व्लॉग डालना ही बंद कर दिया या फिर नहीं डालती थी। और तो इसलिए मैंने सोचा मैं पहले आप लोगों को ये वीडियो शेयर करूं और तब जाके अपने ब्लॉगिंग को स्टार्ट करूं। क्योंकि हम लोगों को, हम इंसान हैं और इंसानों को कर्म तो करना ही है। तो मैंने लास्ट ब्लॉग कब डाला था, 12 को नहीं, मैंने 11 को लास्ट ब्लॉग डाला था। 11 मई को मैंने अपना ब्लॉग डाला था, उसके बाद मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया। क्योंकि मैंने उस टाइम बोला था कि थोड़ी प्रॉब्लम है घर में, पर पता नहीं मैंने वो ब्लॉग भी डाला होगा नहीं डाला होगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ब्लॉग का एडिटिंग करूं। और फिर मैंने ब्लॉग बनाया था जबकि, पर सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो ब्लॉग डालने का मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं इस ब्लॉग को डालूं। तो लास्ट ब्लॉग जो था मेरा वो नॉर्मली था, मैंने आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। सिर्फ एक मैंने पोस्ट किया था जिसमें मैंने कहा था मैं फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ या नहीं आ पाएगी, कुछ हफ्ते नहीं आ पाएगी। तब तक मेरा था कि शायद इसी हफ्ते नहीं आ पाएगी, तब तक हमारा इतना नहीं था। तो उसके बाद जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई तो उसके बाद 1 महीना ही हो गया। और अभी भी जैसे मैं ससुराल में थी तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं हो रहा था, और क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने 2 दिन स्टार्टिंग की वीडियो की, पर फिर बाद में यही हो रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, क्या दिखाऊँ, क्या बोलूँ। तो मैं जब मायके आई तो फिर मम्मी ने समझाया कि कर ले ब्लॉग स्टार्ट, और क्योंकि हम अपने जो हमारा जो वो होता है, काम होता है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, उसको हमें करना ही होता है। और ये मेरे लिए एक जॉब ही है, मतलब ड्यूटी लगा लो, क्योंकि मैं मानती इसको एक काम मानती हूँ कि मुझे करना ही है, कंपलसरी करना ही है। जब मैं डे टू डे ब्लॉग डालती थी तब मेरा ये काम ही था कि मुझे डालना है तो डालना है, चाहे मेरे व्यूज़ आए चाहे मेरे व्यूज़ नहीं आए, तो यही था मेरा। और 13 तारीख को, हाँ, मेरे जो जेठ हैं उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम दो दिन हॉस्पिटल ही में बिजी रहे। और तो उस टाइम मैंने ब्लॉग, मतलब उस टाइम तो नहीं बनाया था, पर उससे पहले मैंने बनाया था कि मैं शायद 1 हफ्ते तक नहीं बना पाऊँगी ये ब्लॉग। मैं सोच रही थी कि अगर मैं हॉस्पिटल में भैया के साथ रहूँगी तो मैं ये डाल दूँगी, ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो कि ये चले गए, ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट ना करें आप लोग। पर उसके बाद भैया ने इतना मौका ही नहीं दिया कि मैं वो ब्लॉग डालूं। और 13 को भैया ही हम सबको छोड़ के चले गए थे, और उसके बाद तो ब्लॉग डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है हमें, मतलब हम लोगों को इतना था ही नहीं। और खैर कोई नहीं, क्योंकि भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती है, चाहे कोई भी हो। और किसी का रहना ना रहना सब भगवान पे ही डिपेंड होता है। तो इसीलिए मुझे ससुराल में हिम्मत नहीं आ पा रही थी। और 13 तारीख से आज 6 तारीख हो गए, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ब्लॉग नहीं बनाया, मन ही नहीं हो रहा था। ससुराल में तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। फिर मम्मी पापा ने दोनों ने समझाया कि ये तेरा काम है। अब मुझे पता है कि मैं अभी स्टार्टिंग पे थी यूट्यूब में, और अभी मुझे इतना ब्रेक नहीं कि मैं 4 महीने बाद भी डालूंगी तब भी लोग मुझे देखेंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों को इकट्ठा किया था, मेरे सब्सक्राइबर कम भी हुए, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार अभी तो मैं बनाऊंगी नहीं। फिर मम्मी
फिर उसके बाद जब मैं मायके आई तो मैं नहीं बना रही थी, क्योंकि मैंने जब ब्लॉग की स्टार्टिंग ससुराल से बिल्कुल भी नहीं की। मायके आई तो फिर मम्मी ने समझाया मुझे कि देख ब्लॉग तो बनाना ही है, ये तेरा काम है, और या तो तू इस काम को नहीं पकड़ती, अब पकड़ लिया तो लोग तुझे क्या बोलेंगे। मतलब बनाती थी उसके बाद नहीं बनाया, बस की नहीं है ये वो, क्योंकि तुम्हें लोग बुरा ही बोलते हैं। अच्छे बहुत कम लोग तुम्हें अच्छा बोलेंगे, हर लोग हर कोई तुम्हें बुरा ही बोलेगा। ये तो जिंदगी का मेन क्या होता है, रूल ही होता है कि लोग बुरा ही बोलते हैं, बुरा ही सुनाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने उतने दिन घर में सब कुछ हुआ, बरसी बुरसी हुई भैया की, तो उसके बाद मैंने कल से ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मैंने एक छोटा सा ब्लॉग मतलब वीडियो शेयर किया है, जिसमें मैं आप लोगों को ये बता सकती थी कि हाँ मेरे इतने दिन क्यों वीडियो नहीं आए। तो जब भैया हम सबको छोड़ के चले गए थे, तो उसके बाद सीधे कल ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, और मतलब ऐसे भी नहीं कि वो बुड्ढे हो गए थे तो यार चलो कोई नहीं मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती। बुड्ढे अगर एज के रहते, उनका टाइम रहता जाने का, तो मैं तो अपना पूरा जो बोलते हैं ना वो होता है पूरा शेयर करती कि हमारे यहाँ पे ये होता है। मतलब जो जाने के बाद जो भी कुछ होता है, हर जगह का अलग अलग होता है, वो शेयर करती। पर ऐसा तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जहाँ भी रहें अच्छे रहें, खुश रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तो इसलिए और आप लोग, मैं यही चाहती हूँ, ये छोटी सी वीडियो बस मेरी इसी बात के लिए थी कि मैंने एक महीने वीडियो क्यों नहीं बनाया। आप लोग प्लीज़ समझना कि अगर ये सब कुछ हो जाता है तो नहीं होता है। ब्लॉग में हम यही दिखाते हैं कि ये कर रहा, वो ये कर रहा, मैं क्या दिखाती अपने ब्लॉग में, और कैसे मैं ब्लॉग में बोल पाती। बहुत टफ है ब्लॉग बनाना, और भी इस सिचुएशन में तो बहुत ही टफ है। और शायद मैं अभी 2-3 दिन मायके में हूँ तो बनाऊँगी, ससुराल में तो मैं तब भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा वहाँ पे ब्लॉग बनाने का। तो मैं यही सोच रही हूँ यहाँ से ब्लॉग बना के ले जाऊँगी, वहाँ डाल दूँगी मैं। और आज 6 तारीख है, तो मैं आज ये ब्लॉग बना रही हूँ। शायद मैं डालूँ 13 के बाद ही डालूँ, 1 महीने के बाद ही डालूँ अपने ब्लॉग को, शेयर आप लोग भी साथ करूँ। तो आप लोग मुझे पहले कीजिए